जय श्री कृष्णा बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में पार्ट तीन में कुछ खास है हम इस पार्ट को पढ़ाया था और आज मैं आपको इसके कुछ प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ ताकि आपको इन प्रश्न उत्तर के माध्यम से सवाल को याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आज हम प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नुकीली कलम को क्या कहते हैं? नुकीली कलम को क्या कहते हैं? अब अ है स्टाइलश या ब है स्केल, स है बॉक्स और द है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि नुकीली कलम उसके बारे में, तो नुकीली कलम को हम क्या कहते हैं? अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि क्या हम उसको स्केल कहते हैं या हम उसको स्टाइलश कहते हैं या हम उसको बॉक्स कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं उसको स्टाइलश। तो अ इसका उत्तर है, इसलिए हमने यहां लिख दिया उत्तर अ और हमने लिख दिया स्टाइलश। अब प्रश्न नंबर दो पे हम आते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, आविष्कारक आविष्कार करने वाले यानी खोज करने वाले। तो ब्रेल लिपि को किसने आविष्कार किया, किसने खोजा था? अ है अवलोकित ने खोजा था, या ब लुई ब्रेल ने खोजा था, या स रोनाल्ड रॉस, या द गैलीलियो। तो हमने इसको अच्छे से याद किया था, अच्छे से पढ़े थे कि ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन थे? लुई ब्रेल। कौन थे? लुई ब्रेल। तो इसका उत्तर क्या है? ब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर ब, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। उनका नाम लुई ब्रेल था ना, तो ये जो ब्रेल इनके पीछे की जाति थी ना, इसी को इन्होंने नाम दे दिया ब्रेल लिपि। फिर प्रश्न नंबर तीन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है? कितने बिंदु से वर्णों की आकृति का निर्माण होता है? अ चार, ब पांच, स बारह और द छह। तो क्या चार बिंदु से होता है, या पांच बिंदु से, या बारह बिंदु से, या छह? तो ये हमने पढ़ा था कि ब्रेल लिपि में छह बिंदुओं से वर्णों की आकृति का निर्माण किया जाता है। कितने बिंदु से? छह बिंदु से। तो हम लिखेंगे उत्तर द छह। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर चार, सत्य असत्य कथन बताइए। क्या कथन सच है या ये कथन झूठ है, इसके बारे में हमें बताना है। ब्रेल लिपि में आठ बिंदु होते हैं, तो क्या ब्रेल लिपि में आठ बिंदु होते हैं? क्या ये कथन सत्य है? क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात गलत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य, गलत है ये बात। सत्य क्या होती है? ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? छह। यहाँ पे कितने बिंदु है? आठ। तो ये बात गलत है, असत्य है। प्रश्न नंबर दो, नुकीली कलम को स्टाइलश कहते हैं। नुकीली कलम को क्या कहते हैं? स्टाइलश। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है, सत्य है ये कथन। तीसरा है, सेरेब्रल से पीड़ित व्यक्ति कभी सामान्य नहीं हो पाता। मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी होती है और ये बीमारी व्यायाम करने से ठीक हो जाती है। आपको अच्छे से बताया था कि अगर व्यक्ति कसरत करेगा, व्यायाम करेगा, तो उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सेरेब्रल से पीड़ित व्यक्ति कभी सामान्य नहीं हो पाता, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वो अगर कसरत करेगा तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कभी सामान्य नहीं हो पाता, तो इनकी बात क्या है? गलत है, असत्य है। इसलिए अपन ने ये गलत, असत्य का निशान लगाया। प्रश्न नंबर चार, सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। यही मैंने आपको ऊपर समझा रही थी कि अगर वो व्यायाम करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य, कि हाँ, इसमें अगर वो व्यायाम करेगा तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। प्रश्न नंबर पांच, हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर कौन थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे,
हेलन केलर एक लेखिका थी जो आंखों से देख नहीं सकती थी। हेलन केलर कौन थी? एक लेखिका जो कि आंखों से नहीं, वो अंधी थी और देख नहीं पाती थी, लेकिन ब्रेल लिपि के द्वारा सब पढ़ सकती थी, तो ये एक लेखिका थी। फिर प्रश्न नंबर अपना 6 आते हैं कि जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे कौन सी भाषा में बात करते हैं? हम जानते हैं कि कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग सुन बोल नहीं सकते हैं, और कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते। तो ऐसी जो लोग बोल सुन नहीं सकते वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? हम जानते हैं ना कि कुछ लोग तो देख नहीं पाते, कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग सुन नहीं पाते, कुछ लोग चल भी नहीं पाते। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो कमी कुछ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इस कारण उनके अंदर उस चीज को, काम को करने की उनमें नियंत्रण नहीं रह पाता कि वो कार्य कर सके। तो इसमें भी क्या है कि कुछ लोग बोल सुन नहीं सकते वे कौन सी भाषा में बात करते हैं? हम लोग तो आराम से सुन लेते हैं, हम आराम से बोल लेते हैं। देखो, मैं आपको अच्छे से बोल रही हूँ, प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ, और आप अच्छे से समझ पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो वो भी तो पढ़ाई करते हैं, तो वो कौन सी भाषा में बात करते हैं, उनके लिए कौन सी भाषा होती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो लोग बोल सुन नहीं सकते उनकी कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब संकेत वाली भाषा, जिसमें हम संकेत देते हैं, हम संकेत के माध्यम से बात करते हैं। तो जो लोग बोल नहीं सुन सकते वो अपने हाव भाव के द्वारा, अपने संकेत के माध्यम से बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो हाथों से आकृतियां बनाते हैं, अपने हाथ के द्वारा तरह तरह की आकृति बनाते हैं, और उसके द्वारा वो समझ जाते हैं कि वो क्या बात कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? उत्तर, सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी का नाम है। क्या है ये? एक बीमारी है ये, और ये बीमारी क्या हो सकती है? ठीक भी हो सकती है अगर वो कसरत करे तो, लेकिन अभी हमारे पास छोटा सा ये प्रश्न, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? तो सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी का नाम है। अब आप इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कीजिएगा।